Not a relation. हाँ, पता है, मिल जाएगा, सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। इस वीडियो को ब्रेन बनाएंगे जार्विस का प्रॉपरली। कुछ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा कोड का, इस वेबसाइट पे मूव फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। दो फाइलें मिलेंगी, एक Q&A logbook.txt और दूसरा model.py, ठीक है। उससे पहले क्या करो, यहाँ पे आओ, brain.py आपने बनाया ना, उससे पहले एक काम क्या करो, यहाँ पे ना एक नया फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो डेटा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब डेटा के अंदर क्या करो, एक और डायरेक्टरी बनाओ, इसका नाम रखो brain_data, ठीक है। यहाँ पे brain_data लिखो, यहाँ पे आप क्या करो, एक पाइथन की फाइल बनाओ, उसका नाम लिखो डेटा, Q&A data लिख दो, Q&A_data, Q&A data, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, इस वाले पे आना, Q&A logbook में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने दे दिया है 1000 से ऊपर लाइन का कोड, यहाँ पे डेटा है, जनरली जो डिस्कस करते हैं ना वो सारे इसमें हैं, फेवरेट कलर, जार्विस कैसे हो या क्या है, ठीक है। ये डेटा उठा लो चुपचाप, ठीक है, पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, सीधा सा कुछ नहीं करना। अब गाइस मैं डेटा तो एक एक करके नहीं लिखा सकता, इसलिए मैं सीधा कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इस पे आके पेस्ट कर दो इस तरीके से। सॉरी, इसमें जो मेरे को क्या करना है ना, एक काम करो, जो आपने फाइल बनाई ना इसे डिलीट कर दो, इस पर क्या करो, फिर से वापस एक राइट क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करो, Q&A_data.txt बना दो, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा क्या आ गया, डेटा सेट आ गया पूरा जार्विस का। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे ये डेटा सेट तो आपका है यानी मेरा, तो आप क्या, आप लोग अपना कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम बताएगा, तो क्या करो, कंट्रोल आर दबाओगे ना, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, यहाँ पे लिखना ANUBHAV अनुभव, यहाँ पे रिप्लेस में अपना नाम डालो, एंटर दबा दो, हर जगह तुम्हारा नाम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शायद 70 times मेरा नाम यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ से अनुभव रिमूव कर देना, फिर या फिर अनुभव चतुर्वेदी को भी लिखना, ये इस तरह, और रिप्लेस करके अपना नाम डाल देना। एक और काम करना, मिस्टर जेनो नाम से तो नहीं है, स्टैंक कर देना, मिस्टर स्टैंक 64 times यूज हुआ, इसे भी रिप्लेस कर देना अपने नाम के साथ, ठीक है। ये डेटा हो गया तुम्हारा सिंपल, ओके। यहाँ से डेटा बन गया, डेटा वाली फाइल को क्लोज कर दो चुपचाप। फाइल करने से पहले क्या करो, इसकी इसका जो पाथ है ना उसे कॉपी कर लो, बट फायदा नहीं है। अब क्या करो, हेड हमारा बन गया ना, हेड के अंदर हमें क्या बनना था, ब्रेन, बट ब्रेन के पहले हमें क्या करना होगा, मॉडल बनाना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, नए डायरेक्शन बनाओ, उसका नाम क्या करो, ट्रेनिंग और अंडरस्कोर मॉडल डाल दो, ट्रेनिंग अंडरस्कोर मॉडल, यहाँ पे ऐसा। अब इसके अंदर क्या करो, लिख दो मॉडल, एंटर करो, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट वरी, कोड समझा रहा होगा, परेशान मत होना, ठीक है। ये कोड मिल गया, कॉपी कर लो इसे, पेस्ट कर दो इस पर, ठीक है। मैं ये कोड समझाता हूँ आपको, सबसे पहले क्या करो, कोड के पहले जो डेटा वाली फाइल में जाओ, यहाँ से Q&A वाली जो फाइल है उसे लो, और यहाँ से कॉपी पाथ कर लो, ठीक है, और इस वाले पे लाइन नंबर 7 पे इसे रिप्लेस कर दो इस तरीके से, ठीक है। इतना कर दोगे, काम पूरा हो गया, कोड रेडी है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये जेसन नाम का इंपोर्ट किया अपन ने, ठीक है, रैंडम, पहले भी बता चुका हूँ रैंडम क्या काम करता है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक SKLearn नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, SKLearn मशीन लर्निंग मॉडल होता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे डेटा को अपने हिसाब से ट्रेनिंग करा सकते हैं। मैंने एक फ़ाइल ली, ठीक है, उसे लोड करा दी, लोड कराने के बाद मैंने क्या किया,
उसे एक डेटा में वेरिएबल में स्टोर करा है, किस पैटर्न में, यहाँ पे मैंने पैटर्न डाल दिया, पैटर्न में क्या है मेरा, गाइस मेरे को क्या लग रहा है ना, ये मॉडल गलत है क्योंकि ये जेसन फाइल का मॉडल है। रन कर देता हूँ एक बार, ये देखो मुझे पता था ये मॉडल गलत है, कोई नहीं एडिट कर दूंगा मैं अभी, क्या करूँ इसे डिलीट कर दो। मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, मैं वो दे देता हूँ आप, ठीक है, जो मैंने बनाया था, मैंने बोला था एडवांस है ये वाला मॉडल, मॉडल डॉट पी वाई, ये रहा इस वाले को, मैं डोंट वरी, आप जब वो फाइल पे आओगे ना सेम मिलने वाला है, परेशान मत हो। यहाँ से ये वाला कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ, उससे पहले क्या मैं यहाँ पे आपको ये एडिट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला कोड आपको यही वाला कोड मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ, परेशान मत हो। यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, मॉडल कमिट कर देता हूँ, ठीक है, लिंक पे जाओगे मिल जाएगा कोड, परेशान मत हो, ठीक है, ये बन चुका है हमारा मॉडल। अब क्या हमने किया, NLTK मशीन लर्निंग मॉडल इंपोर्ट किया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पर्टिकुलरली SKLearn को भी यहाँ से हमने कॉल किया, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था। यहाँ पे हमने body.speak को कॉल किया, बट यहाँ पे ये गलत है बिकॉज ये पुराना स्पीक फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरे को body.mouth का यूज़ करना होगा, है ना, body.mouth और यहाँ पे स्मॉल स्पीक करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। बट क्या ये हम ट्रेनिंग मॉडल के अंदर कर रहे हैं, है ना, तो ट्रेनिंग मॉडल के अंदर कर रहे हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे आई थिंक सो, कि ऐसे ही करते हैं, बट चेक कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बस यूज़ नहीं हो रहा इस पर, बॉडी भी नहीं यूज़ हो रहा, डेटा फाइल होगी हेड के अंदर, है ना गाइस, तो कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ से मैंने हेड को कॉल किया, हेड डॉट, और यहाँ से तीन चीज़ें आ रही हैं, ब्रेन माउथ, मैं माउथ से स्पीक फंक्शन कॉल करने वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कैपिटल स्पीक कहीं पे यूज़ हुआ होगा, मैं कंट्रोल एफ दबाऊंगा, आपको नहीं करना है या फिर आप कर भी सकते हो जैसा आपको सही लगे, एक बार और चेंज कर दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ स्पीक, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये हो गया स्पीक ऑप्शन। अब हमें क्या करना है ना, मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, फिर रन करता हूँ इसे, कि ये क्या कर रहा है, NLTK को इंपोर्ट कर रहा है, हमने स्पीक फंक्शन भी कॉल कर लिया। अब हम यहाँ से करेंगे, ये जो फाइल बनाई है ना हमने डेटा की, इसे लोड करा देंगे, ये उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए ना उसका फॉर्मेट है, इस तरीके से उसे लोड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लॉजिक लिख दिया ना, बेसिकली प्रोसेस करो वर्ड्स, क्या वर्ड, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनमें से प्रोसेस करो, अगर जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्डिंग मैचिंग हो जाती है तो क्या करो, मुझे रिटर्न करा दो, ठीक है, विथ वैल्यूज़, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन को आप समझो, ये लॉजिक है हमारा मेन, और क्वेश्चन के हिसाब से अगले में मैंने गेट आंसर पे लिख दिया कि भाई आंसर करा दो, और माइंड वाले में दोनों को इंटीग्रेट करा दिया, और यहाँ पे हमने फाइल पाथ दे दिया, कौन सी फाइल हमें देना है, यहाँ पे डेटा फाइल देनी होगी आपको, तो यहाँ से क्या करो, डेटा वाली फाइल में आ जाओ, इसका जो कोड है ना उससे यहाँ से क्या करो, पाथ को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है, कुछ नहीं करते, एक बार रन करके देख लेते हैं ऐसे सिंपल, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्लियरली दिख सकते, ठीक है, मैं बोलूँगा हेलो, देखते हैं क्या होता है। Hello, I am Friday, your AI assistant. How may I help you? ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ से गलत चीज़ डाली हुई थी, I am Friday, ठीक है, अब मैंने ये क्यों डाली हुई थी, क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि आप खुद डेटा रियल टाइम में यहाँ से अगर एडिट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे Friday कई जगह लिखा हुआ है, और ये गाइस शायद डेटा थोड़ा सा डेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया गाइस, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, मैंने ज़्यादा जूम इन कर दिया था, सॉरी, मुझे लगा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, ठीक है, तो ये डेटा है जो हमारा
इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फ्राइडे डाला होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फ्राइडे को भी डेटा दिया था। ये देखो फ्राइडे हर जगह दिखाया, हाय फ्राइडे 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 फ्राइडे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइडे दिया हुआ, ठीक है। और यही डेटा मैंने ट्रेन करने के लिए डाल रखा है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एच करता हूँ यहाँ, सॉरी कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ पे फ्राइड लिखूँगा, ठीक है। फ्राइडे की जगह यहाँ पे 520 टाइम्स यूज़ हुआ है गाइस, और 40 लिख दूँगा और एंटर कर दूँगा। पूरा डेटा रिकरेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी, मैं आपको करेक्टेड डेटा दे दूँगा, परेशान मत होना। सीधा आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना गाइस, वीडियो देखा करो, वीडियो देखोगे ना तो आपको एक्चुअल में कहाँ पे क्या गड़बड़ी आ रही है ना वो भी पता चलेगा। यहाँ पे दो जगह और आ रहा है आई एम करके, तो यहाँ पे भी मैं चार डाल देता हूँ। इस तरीके से आप अपना डेटा करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना नाम डाल सकते हो, अपना नाम चेंज कर दो। मॉडल डॉट पी वाई पे वापस से चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आउटपुट देख सको आप। रन कर देते हैं, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम। हाय, हेलो, नॉट मच, जस्ट रेडी टू चैट, हाउ अबाउट यू? गुड, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स मिस्टर स्टैंक। ओके, यस, आई एम ओके, आई एम प्रोग्राम्ड विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। Jarvis? She is my girlfriend created by Mr. Stank. Who are you? Which data I'm correct on the office? Hello. I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? Bye. Hello. I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? Greetings. It's nice to meet you. How can I help you today? What is that? Hello. I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? Thank you for the kind words, Mr. Stank. Jai Shri Ram, sir. Yes, I am okay. I am programmed with the English language and can respond accordingly. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अपने हिसाब से आप इनपुट दो, चेक करो, जो भी और भी डेटा डालना है, डेटा कैसे डालना है वो भी मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है यहाँ के ना, कुछ लाइन्स क्या करना, कॉपी करना लास्ट की कुछ लाइन, ठीक है, यहाँ कुछ लाइन कॉपी करना, चैट जीपीटी को देना, बोलना मुझे इस टाइप का और भी डेटा दे दो, ठीक है, 100 डेटा करके अपने हिसाब से डेटा बना सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस मॉडल डॉट पी वाई से अपने बारे में कुछ पूछूँगा, जैसे मैंने अपना डेटा भी डाल के रखा, जब आप अपना डेटा रिप्लेस कर दोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से मैं पूछता हूँ हु इज़ करके, हु इज़ अनुभव। Anubhav Sinha is an Indian film director, producer and screenwriter who works in Hindi films. He is notable for movies like Rawan 2011, Tumbin 2001, Dues 2005, Malk 2018, Article 15 2019, Thapad 2020 and Beat 2023. Anubhav Chaturvedi is a college student currently studying at Jain University in Bangalore. Mr. Stank is my creator. Yes, I am okay. ठीक है, तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओके जो है ना, जब मैं इसको बोलता हूँ ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, ओके को वहाँ से कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ओके ऐसे करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा यस, ऑल राइट, ऑल राइट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं आप इसको मॉडल डॉट पी वाई को फिर से ऐसे रन करूँगा और यहाँ से इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँगा ओके, एंटर, ऑल राइट, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसा भी जो बनाना चाहो मॉडल, मॉडल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बनाया, इस वीडियो पे हमने जार्विस का एक मॉडल प्रिपेयर किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से कि कैसे आप ये कोड यूज़ कर सकते हो और इस कोड में हो क्या रहा है। गाइस इतना बड़ा कोड नहीं है,
ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। हमने फाइल को लोड कर दी फाइल हैंडलिंग से, ठीक है, और इसी के टोकन्स को यहाँ से कॉल कर लिया फाइल से। बस वहाँ से हमने वर्ड मैपिंग स्टार्ट कर दिया, अगर वर्ड्स वो हमें मैच हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर जो है तो पुट करा रहे हैं। इसी को हम मशीन लर्निंग बोल देते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बोल देते हैं। तो ये हमने मॉडल बनाया, अगले वीडियो पे ब्रेन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेन बनाएंगे। ब्रेन में क्या, ब्रेन और इसमें क्या डिफरेंस था, गाइस ये मॉडल है, ठीक है, ये हमारा मॉडल है। लेकिन ब्रेन क्या करेगा, अगर मॉडल में कोई आंसर नहीं मिलता है इसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस इसको रन कर दूँ, ठीक है, और मैं कोई चीज़ प्रिंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई ऐसा डेटा देता हूँ जिसको नहीं पता, ठीक है, जैसे कि कोई रिसेंटली आई चीज़, जैसे अगर मैं इससे ये पूछूँ व्हाट इज OBS। हेलो आई एम जावेस योर AI असिस्टेंट, ठीक है, मतलब वर्ड से ट्रैक कर रहा है, व्हाट इज योर नेम का आंसर दे रहा है। OBS का मतलब समझ नहीं पाया ये, ठीक है, OBS बस लिखता हूँ। हेलो I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? मतलब ये समझ नहीं पा रहा, जो चीज़ नहीं समझ पा रहा वो अपना रिस्पॉन्स देता जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ऐसे करते हैं इसे 3.11 क्वेश्चन मार्क। Hello, I am Jarvis, your AI assistant. How may I help you? ठीक है, तो ये अभी क्या कर रहा है ना, मेरे हिसाब से हमने जो डेटा दिया है यहाँ पे, मैं कंट्रोल एफ करूँगा, हेलो आई एम जार्विस, वैसे यहाँ पे आई एम जार्विस लेके नहीं रहा, पता नहीं क्यों। जार्विस योर AI असिस्टेंट, और टॉप पे क्लास में फर्स्ट लाइन पे चल के देखते हैं। हेलो आई एम जार्विस योर AI असिस्टेंट में हेलो डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा है, पहला कोड एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे देख लेते हैं, कवर कर लेंगे कोई दिक्कत आएगी तो। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ना ब्रेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेन तो यूज़ कर लिया है फॉर लूप के अंदर, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कुछ गूगल पे से पूछना चाहते हैं या इसके पास डेटा नहीं है उस चीज़ का, तो एक बार हम जैसे अगर मैं इसे व्हाट इज से रिलेटेड चीज़ें पूछूँ और इसको नहीं पता है तो विकिपीडिया से आंसर ले और ख़ुद से इसको मैं स्टोर करा दे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ पूछूँ तो आंसर मॉडल से दे ना कि इस फाइल से, ऐसे कराएंगे और जार्विस को इंटीग्रेट करेंगे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर।